ओम अज्ञान्तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलम् श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंच कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामो राम रामो हरे हरे। सो हरे कृष्णा, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑल फॉर टुडे सेशन ऑन चैंटिंग। सो वी आर डूइंग दिस इन प्रिपरेशन फॉर टुमारोज निर्जल एकादशी। सो आई एम श्योर ऑल ऑफ यू ऑल टुक पार्ट इन आर विवेक बिंद्रा प्रूस mega webinar. So that was a marathon. Now tomorrow is going to be a marathon for Nirjal Ekadashi, and I'm sure many of you are going to chant a lot of rounds. So in order to help you all set the right mood, so we will share with you all some practical tips on chanting Hare Krishna. So the first thing is, what is Nirjal Ekadashi? So it is called Pandav Nirjal Ekadashi because Bhima one time went to Lord Krishna and told Krishna that it's very difficult for me to follow Ekadashis, because you can imagine Bhima is Vayuputra. He has tremendous appetite to eat. So generally when the Pandavas were given food, the way the jab Pandavon ko khana bhata jata tha ye panch bhaiyon mein, तो ऐसा बटता था आधा खाना भीम को जाता था, बाकी जो आधा बच गया बाकी चार भाई खाते थे। तो वो भीम का कैपेसिटी था, तो इसलिए भीम का और एक नाम है वृकोधर। उनका जो पेट में जो अग्नि है वो इतना तीव्र है कि वो जितना चाहिए वो खा सकते हैं, वायुपुत्र। तो इसलिए भीम जी को बहुत मुश्किल गिरा एकादशी करते हुए। इसलिए उन्होंने नम्रता से कृष्ण के पास गए, भगवान के पास, और बोले कि ये एकादशी मेरे लिए बहुत मुश्किल है, बाकी सब रूल्स ठीक है पर एकादशी पालन करना थोड़ा मुश्किल जा रहा है। तो क्योंकि भीम भगवान के महान भक्त हैं, तो भगवान ने कंसेशन दिया भीम को कि आप साल भर एकादशी नहीं करेंगे तो चलेगा, ये एक एकादशी पांडव निर्जल एकादशी इसको अच्छे से पालन कीजिए। तो ये करेंगे जितने भी एकादशी है उसका फल मिलेगा। तो इसका ये मतलब नहीं कि हम बाकी एकादशी पालन न करें, पर इसका ये मतलब है कि अगर बाय मिस्टेक बाकी एकादशी में जो साल भर में आता है उसमें कुछ त्रुटियां हुई हो, तो ये एक एकादशी करने से वो सब कवर अप हो जाता है। तो इसलिए भक्त प्रयास करते हैं कि निर्जल एकादशी में
बिना जल के रहने का. सो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि अगर आप लोगों का स्वास्थ्य अलाउ करता है तो कीजिए, अगर बहुत मुश्किल गिर रहा है सो देन यू कैन ड्रिंक वाटर. तो शिला प्रभुपाद बहुत प्रैक्टिकल थे. शिला प्रभुपाद ने फोकस किया भक्ति में. तो सबसे इम्पॉर्टेंट निर्जल एकादशी में क्या है, भगवान का भक्ति करना. तो बिना पानी के दिन भर सोएंगे तो उसका कुछ फायदा नहीं है. वी हैव टू रिमेन एंगेज्ड इन कृष्णा सर्विस. सो द बेस्ट वे इज टू चैंट. बहुत सारे भक्त दुनिया भर में कल के दिन बहुत सारे मालाएं करेंगे, 32 राउंड, 64 राउंड, 108 राउंड, 122 राउंड, जिसका जो क्षमता, जिसका जो इच्छा. सो आप लोग भी प्रयास कर सकते हैं. सो पहला चीज है, अगर आपका प्लानिंग है कल ज्यादा माला करने का, सो द फर्स्ट थिंग इज स्लीप अर्ली टुडे. आज जल्दी सो जाइए ताकि आप जल्दी उठ सके. तो दिन के शुरुआत में सुबह सुबह जितना मैक्सिमम राउंड होता है उतना स्कोर बढ़ेगा कल के दिन, नहीं तो यू नो इट बी वेरी डिफिकल्ट टू चैंट. सो दैट्स समथिंग दैट यू ऑल कैन थिंक अबाउट. सो आज हम सचिनंदन महाराज के पुस्तक से, द नेक्टेरियन ओशन ऑफ द होली नेम, उससे थोड़ा महाराज क्या बताते हैं हरि नाम जप अच्छे से करने के लिए, क्या उनका सुझाव है वो देखेंगे. सो दीज आर वेरी प्रैक्टिकल टिप्स एंड दीज आर वेरी सिंपल थिंग्स. तो भक्ति में हमको नया चीज सीखने की जरूरत नहीं है, वही दो जो चीज है जो हम रेगुलरली कर रहे हैं उसको अच्छे से करना है. तो ब्रूस ली उन्होंने बताया कि इंग्लिश में ये सेइंग है, आई डोंट फियर अ मैन हु प्रैक्टिसेस 10,000 किक वंस, आई फियर अ मैन हु प्रैक्टिसेस वन किक 10,000 टाइम्स. तो ब्रूस ली जानते हैं, यू नो मार्शल आर्ट्स के सबसे बड़े गुरु हैं, चैंपियन हैं. तो बोलते हैं कि जो व्यक्ति एक ही बार 10,000 अलग अलग किक प्रैक्टिस करता है उससे मुझे भय नहीं है, पर जो व्यक्ति एक ही किक 10,000 बार प्रैक्टिस करता है उससे मुझे बहुत भय है, क्योंकि वो किक पड़ेगा तो बहुत भारी गिरेगा, क्योंकि बहुत प्रैक्टिस किया उसने. तो इसलिए भक्ति में नया नया चीज कुछ आने वाला नहीं है. जापान में कुछ अलग नया सीक्रेट, नथिंग लाइक दैट. द सेम थिंग हमको बार बार रिपीट करना है, क्योंकि बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर बेसिक्स अच्छे से होगा देन द होल थिंग विल हैपन नाइसली. तो सचिनंदन महाराज बहुत बेसिक चीज समझाते हैं पर बहुत महत्वपूर्ण चीज. तो हमारे जितना भी समय है उसमें हम थोड़ा बहुत ये चर्चा करने का प्रयास करेंगे. सो महाराज का पहला सुझाव इन चैंटिंग इज चैंटिंग द पंच तत्व मंत्र. हम ऑलरेडी करते हैं, आशा है आप लोग करते हैं. हर एक माला के पहले ये पंचतत्व मंत्र का उच्चारण होता है, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. तो ये पंचतत्व मंत्र बहुत महत्वपूर्ण है, इट इज ग्रेटली बेनिफिशियल. तो प्रभुपाद ने पद्धति दिया है हमको, पंचतत्व को प्रार्थना करने से हमारे हरिनाम में महामंत्र के जप में जो भी अपराध होगा, जो होता ही रहता है थोड़ा बहुत, राइट, क्योंकि हम बद्ध जीव हैं, थोड़ा बहुत तो अपराध होता है. तो पंचतत्व बहुत कृपालु है. नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर तिश्वे नमः. क्योंकि चैतन्य महाप्रभु बहुत उदार है, वेरी मैग्नानिमस, उनका हृदय बहुत बहुत विशाल है. इसलिए शास्त्रों में वर्णन आता है, पापी तापी उद्धारिलो, वर्णन करते हैं, anyone remembers what is that verse? वो गीत में आता है जगत भूषण, you remember that verse? No bro ji. हाँ, so वर्णन आता है कि तार साक्षी जगाई मदाई, कि जैसे जनरली किसी का महानता बताना है तो उसका प्रूफ भी देते हैं, उसका क्रेडेंशियल्स क्या है कि नहीं. तो जैसे विवेक बिंद्रा के सेमिनार के पहले उनका पूरा क्रेडेंशियल्स था, यू नो वेरी वेरी इम्पैक्टफुल क्रेडेंशियल्स, यू नो. तो उससे व्यक्ति को
मोटिवेशन आता है सुनने के लिए। तो चैतन्य महाप्रभु का क्रेडेंशियल्स क्या है, चैतन्य महाप्रभु ने जगाई मदाई को उद्धार किया, जो सबसे पापी व्यक्ति है उनका भी उद्धार किया। सो दैट इज वाई चैतन्य महाप्रभु इज मोस्ट मर्सीफुल। तो इसलिए जब हम पंचतत्व मंत्र हम ऑलरेडी बोलते हैं ये मंत्र को, पर अगर हम प्रार्थना के साथ बोलेंगे कि हे चैतन्य महाप्रभु, हे पंचतत्व, आप मुझे हरि नाम में प्रवेश दीजिए, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु आते हैं हरि नाम का भेंट देने के लिए। कृष्ण प्रेम माला गंती परैल संसारे। तो चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान ये दुनिया में आते हैं, ये दुनिया के लोगों को हार पहनाते हैं। सही द्वारे आचरण डाले कीर्तन संचारे कृष्ण प्रेम मलगंती परैल संसारे। तो चैतन्य महाप्रभु हरेक के द्वार में जाके सबसे विनती करते हैं और सबको हार पहना रहे हैं। जनरली साधारण जीव को भगवान को हार पहनाना है, पर ये भगवान का रूप है जो हमको हार पहना रहे हैं, और वो भी किस चीज का, कौन से फूल का, कृष्ण प्रेम। कृष्ण प्रेम मलगंती परैल संसारे। तो ये चैतन्य महाप्रभु की उदारता है, महानता है। इसलिए रूप गोस्वामी ने प्रार्थना किया, नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते। इनसे ज्यादा उदार व्यक्ति कोई नहीं है। इनफैक्ट कलयुग में वर्णन आता है, सचिनंदन महाराज लिखते हैं और प्रभुपाद भी ये बताते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र से ज्यादा पंचतत्व मंत्र इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज समथिंग दैट्स इंपॉर्टेंट, मोर इंपॉर्टेंट देन हरे कृष्ण मंत्र इस पंचतत्व मंत्र है कि नहीं? प्रोबेबली मेरा थोड़ा इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल है, एट एनी पॉइंट इफ यू ऑल कांट हियर मी लेट मी नो। सो यहाँ पे वर्णन है, महामंत्र से ज्यादा पंचतत्व मंत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कोई प्रश्न उठेगा कि अगर पंचतत्व मंत्र बहुत इंपॉर्टेंट है तो हम महामंत्र का जप क्यों करते हैं, 108 बार हम पंचतत्व मंत्र का ही जप कर सकते हैं। तो उसका उत्तर है, चैतन्य महाप्रभु ने हमको आदेश दिया है हरे कृष्ण मंत्र का जप करने के लिए। तो ये चैतन्य महाप्रभु का आदेश है। तो क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का आदेश है महामंत्र का जप करने के लिए, इसलिए हम महामंत्र का जप करते हैं। अदरवाइज द पंचतत्व मंत्र इज ऑल्सो वेरी पावरफुल। इसलिए श्रील प्रभुपाद भागवतम कृष्ण लीला का वर्णन करता है, उसके इंट्रोडक्शन में प्रभुपाद पूरा चैतन्य महाप्रभु का जिंदगी समझाते हैं, द लाइफ ऑफ लॉर्ड चैतन्य। तो कोई सोचेगा भागवतम का विषय कृष्ण है, पर उसके इंट्रोडक्शन में चैतन्य महाप्रभु क्यों है? क्योंकि कृष्ण के लिए प्रवेश चैतन्य महाप्रभु से ही मिलता है। जो कृष्ण कथा है उसमें प्रवेश चैतन्य महाप्रभु से ही मिलता है। इसलिए ये पहला बहुत महत्वपूर्ण टिप है, ये दीज आर थिंग्स दैट वी ऑलरेडी डू, पर वी मे नॉट बी डूइंग इट वेरी कॉन्शियसली। तो पहला है पंचतत्व मंत्र बहुत प्रेम से जप करना। तब जब हम प्रार्थना करेंगे तब हमको सही हरि नाम में रुचि मिलेगा। तो दूसरा चीज महाराज समझाते हैं, चैंटिंग एवरीवेयर, हर जगह पे और हर अवस्था में भगवान के हरि नाम का उच्चारण करना। सुखे दुखे बुले ना को वदने हरि नाम भोलो रे। तो भक्तिविनोद ठाकुर बोलते हैं, सुख में या दुख में हर एक अवस्था में भगवान का हरि नाम, सततम कीर्तयंतो माम कीर्तनीय सदा हरि, ट्राइंग टू ऑलवेज चैंट हरे कृष्णा। क्यों? क्योंकि मृत्यु कब आएगा पता नहीं, गारंटी है क्या मृत्यु कब आएगा? नो गारंटी। इसलिए वी हैव टू कीप चैंटिंग रेगुलरली एज मच एज पॉसिबल। तो श्रील प्रभुपाद का सुझाव है और श्रील प्रभुपाद ने उनके खुद की जिंदगी से सिखाया है। इमेजिन करो, हम सब बिजी हैं अपने जिंदगी में, कोई काम करता है, कोई ब्रह्मचारी रहेगा, सेवा कर रहा है। श्रील प्रभुपाद का 70 साल का उम्र था और प्रभुपाद पूरे इस्कॉन में उस समय 108 मंदिर से ज्यादा सेंटर थे और प्रभुपाद वो सब चला रहे थे। इमेजिन करो, अभी के दुनिया में जब इंटरनेट है, गूगल है, व्हाट्सएप है, हमको कम्युनिकेट करना मुश्किल है। प्रभुपाद ने पूरा इस्कॉन कैसे चलाया? ईमेल भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। प्रभुपाद ने कैसे चलाया? चिट्ठी लिख के। कैन यू इमेजिन?
चिट्ठी लिख के अलग अलग प्रेसिडेंट्स को चिट्ठी लिख के प्रभुपाद ने इस्कॉन चलाया पूरे दुनिया में, और वो भी मंदिर की स्थापना। हमारा जो आंदोलन है अभी ऑलरेडी एस्टैब्लिश मूवमेंट है कि नहीं, एस्टैब्लिश मूवमेंट है, इसको फैलाना इजी है। प्रभुपाद को शुरू करना पड़ा, पायनियर, तो प्रभुपाद के लिए बहुत मुश्किल था। ही हैड हार्डली एनी टाइम, बट प्रभुपाद आप देखोगे, प्रभुपाद का पिक्चर देखोगे, हमेशा प्रभुपाद जप करते रहते हैं, फ्री टाइम प्रभुपाद वुड चैंट। सचिनंदन महाराज उनके और एक पुस्तक लिविंग नेम में लिखते हैं, जब प्रभुपाद जर्मनी आए थे और सचिनंदन महाराज उस समय ब्रह्मचारी थे जर्मनी में, तो सचिनंदन महाराज चुप के जाते हैं देखने के लिए कि प्रभुपाद क्या कर रहे हैं फ्री टाइम में, और प्रभुपाद इनवेरिएबली भीड़ बैग है और जप कर रहे हैं। सो दिस इज अ सिम्टम कि हर एक अवस्था में जप करना, व्हेन यू गेट टाइम चैंट, वेरी सिंपल, समय मिला तो जप करो। तो इसलिए और एक वेरी प्रैक्टिकल टिप है कि माला हमेशा साथ में होना चाहिए। दिस इज अ सिंसियर डिवोटी। सिंसियर डिवोटी मतलब माला हमेशा साथ में रहेगा, क्योंकि जप करने का इच्छा है और माला नहीं है तो मन क्या बोलेगा, कल करते हैं। तो इसलिए माला हर एक अवस्था में होना चाहिए। आप लाइन में, आप कहीं जा रहे हो कुछ काम करने के लिए, वहां रुकना पड़ रहा है आधा घंटा, और माला नहीं है तो क्या करोगे, टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसलिए कीप द माला ऑलवेज विथ यू, माला हमेशा साथ में रखो। मुझे अभी भी याद है, बहुत साल पहले, इट्स ऑलमोस्ट लाइक 15-16 years ago, 15-16 साल पहले, प्रेम निधि प्रभु आए थे गोवा में। उस समय वो थोड़ा बहुत आते थे प्रचार के लिए, तो हमारा पोंडा में सेंटर था उस समय, खड़पा बंद में, यू नो, तो खड़पा बंद सितारा बंगलो वहां पे सेंटर था। वहां से VHP हॉल, जो लोग पोंडा जानते हैं, विश्व हिंदू परिषद हॉल है, एक 5 मिनट का रास्ता है हमारे सेंटर से वो हॉल तक। तो हम 3-4 डिवोटी साथ में चल के जा रहे थे वहां पे, तो प्रेम निधि प्रभु ने तुरंत हमारे, मेरे साथ जो भक्त थे, उन्होंने उनको पूछा, आपके पास भीड़ बैग लेके आए क्या? तो वो भक्त बोला, नहीं, भीड़ बैग की क्या जरूरत है, हम तो इधर ही जा रहे हैं। तो उन्होंने तुरंत बोला, मृत्यु अभी आ गया तो भीड़ बैग नहीं आपके पास, जब कैसे करोगे? सो आई स्टिल वेरी प्रोमिनेंटली रिमेंबर दैट एग्जाम्पल। इसलिए सिंसियर डिवोटी मतलब भीड़ बैग हमेशा रखता है, और जब भी अवसर मिले जब करता है, ही ट्राइज टू चैंट। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि भगवान के हरिनाम के जप में देर आर नो रूल्स एंड रेगुलेशंस, नियम भी नहीं है और काल भी नहीं है। ऐसा कोई बोल नहीं सकता मैं ये समय पे नहीं कर सकता, नहीं, एट एवरी टाइम वी कैन डू। चैतन्य लीला में ये कहानी आती है, गोपाल गुरु गोस्वामी, शायद आप लोग, ये थोड़े लोग तो जानते होंगे ये कहानी को। तो एक छोटा बच्चा था जिसका नाम था गोपाल। तो चैतन्य महाप्रभु जब उनके नेचर कॉल के लिए जा रहे थे, तो उस समय गोपाल गुरु था वहां पे, वन में गए थे चैतन्य महाप्रभु। और चैतन्य महाप्रभु क्योंकि निरंतर कीर्तनीय सदा हरि, निरंतर भगवान का हरिनाम ले रहे थे, तो उनको लगा कि ये गंदी अवस्था में, ये गंदे जब कार्य कर रहे हैं उस समय भगवान का हरिनाम नहीं लेना है। तो पर नेचुरली उनको आ रहा था, और वो जीवा को रोकने का प्रयास कर रहे थे, किससे, हरिनाम न बोलने के लिए रोकने का प्रयास कर रहे थे। हमारा अवस्था देखो, जीवा से हरिनाम लेने के लिए फोर्स करना पड़ रहा है, चैतन्य महाप्रभु को हरिनाम रोकने के लिए फोर्स करना पड़ता था। जैसे गोपियां एक बार योग के लिए बैठ गए, है कि नहीं, कल इंटरनेशनल योगा डे है, तो गोपियां को भी लगा हम भी थोड़ा योगा करते हैं, तो योग में बैठ गए। तो नारद मुनि सोचने लगे, गोपियां योग क्यों कर रहे हैं, साधारण जीव योग करते हैं कृष्ण को पाने के लिए समाधि में, गोपियां ने ऑलरेडी कृष्ण को पाया है, योग क्यों कर रहे हैं? तो नारद मुनि जाके उनको पूछते हैं, आप योगा क्यों कर रहे हो? वो बोल रहे हैं, हमारे एक प्रॉब्लम है, कृष्ण इतने अंदर चले गए हैं और अंदर जाके हमारे पूरे जिंदगी को खराब कर रहे हैं, और कुछ स्मरण ही नहीं हो रहा हमारा, इसलिए हम योग कर रहे हैं कृष्ण को निकालने का प्रयास, हमारे हृदय से निकालने का प्रयास कर रहे हैं। हम योगा करते हैं कृष्ण को अंदर डालने के लिए, गोपियां योगा कर रहे हैं कृष्ण को निकालने के लिए, वो उनका स्तर है। तो चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे गए थे नेचर्स कॉल के लिए, और निरंतर भगवान का हरिनाम ले रहे थे और जीवा को रोक रहे थे।
उस समय एक बच्चा था जिसका नाम था गोपाल। वो चैतन्य महाप्रभु को बोलता है, हे भगवान, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? ये सही नहीं है, ये उचित नहीं है, क्योंकि मृत्यु ये अवस्था में भी आ सकता है, मलमूत्र त्यागते हुए भी मृत्यु आ सकता है, isn't it? कितने लोगों का मृत्यु टॉयलेट में ही हो जाता है, वॉशरूम में ही हो जाता है कि नहीं? जर्नी होम में है राधानाथ स्वामी, वो राधानाथ स्वामी महाराज वो कहानी लिखते हैं, जब वो बरसाना में ऐसे ही नेचर कॉल के लिए गए थे उस समय 1970s में, सर्प आके उनके पैर को कवर कर लेता है, वेरी पॉइजनस कोबरा, और उनको लगता है मरना भी है तो ये अवस्था में। और उस समय राधानाथ स्वामी महाराज भगवान के हरिनाम महामंत्र का जप करते हैं और वो अवस्था में भी शांति प्राप्त करते हैं। तो कहने का मतलब है कि मृत्यु कभी भी आ सकता है, इसलिए गोपाल गुरु, गोपाल जो ये लड़का है, चैतन्य महाप्रभु को बोलता है आपको निरंतर हरिनाम करना चाहिए, ये अवस्था में भी करना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु इसका सुनते हैं ये बच्चे का और निरंतर हरिनाम करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ये बच्चे का नाम देते हैं गोपाल गुरु, बोलते हैं आज से आप मेरे गुरु हो, क्योंकि आपने मुझे कुछ सिखाया है, हरिनाम में रुचि, हरिनाम में मुझे मार्गदर्शन दिया है। इसलिए हु इज द राइट गुरु, शास्त्र बताते हैं कौन सही माता है, कौन सही पिता है, कौन सही गुरु है, जो दूसरों को हरिनाम करने में प्रोत्साहन देता है। सो देयरफॉर ये जो सत्संग जैसा हो रहा है, या कमिंग एंड डिस्कसिंग अबाउट चैंटिंग, या यू नो यू ऑल चैंट इन अ ग्रुप, या एक दूसरे को देख के इंस्पिरेशन लेना, इफ समवन इज चैंटिंग मोर राउंड्स, उसको देख के इंस्पिरेशन प्राप्त करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर हम ढूंढेंगे अच्छे से, सो दिस इज अनदर वेरी प्रैक्टिकल टिप फॉर चैंटिंग, कि इंस्पिरेशन प्राप्त करते रहो। सो देर आर सो मेनी डिवोटीज, इतने सारे भक्त हैं जो कठिन अवस्था में भी हरिनाम करते रहते हैं, है कि नहीं? दे कीप चैंटिंग। तो कोई हमारी लोटलीकर माता जी, जो मारगांव की भक्त है, उनकी जो माँ है, वेरी एल्डरली लेडी, वो एडमिट है हॉस्पिटल में, कोविड पेशेंट है, तो डॉक्टर्स बोल रहे हैं यू नो एनीथिंग कैन हैपन एट एनी स्टेज, कुछ भी हो सकता है, हम गारंटी नहीं देते, पर ये जो माता जी है निरंतर हरिनाम कर रही है, पूरा विश्वास है उसको भगवान पे, माला छोड़ ही नहीं रही है, कंटिन्यूस कर रही है, तो ये भी गुरु है। वी कैन लर्न फ्रॉम एवरी वन, वी कैन फाइंड दैट इंस्पिरेशन फ्रॉम एवरी वन। तो चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं भगवान है, जो युग अवतार है हरिनाम देने के लिए, ये बच्चे को गुरु स्वीकार करते हैं। जैसे शिला प्रभुपाद जब दिल्ली के सड़कों में ये बैक टू गॉड मैगजीन बांट रहे थे, तो समय एक व्यक्ति आके प्रभुपाद को कैजुअली आके बोलता है कि आप ये बैक टू गॉड मैगजीन क्या बांट रहे हो, ये मैगजीन कोई लेगा फेंक देगा, क्योंकि पन्ना है, आप पुस्तक प्रिंट करो, लोग रखेंगे पुस्तक को। तो प्रभुपाद क्या सोचते हैं? प्रभुपाद ये नहीं सोचते, मैं तो सन्यासी हूँ, भगवान का भक्त हूँ, ये तो भौतिकवादी व्यक्ति है, ये क्या मुझे सुझाव देगा। प्रभुपाद क्या सोचते हैं? मेरे गुरु महाराज इसके माध्यम से मुझे बता रहे हैं कि पुस्तक प्रिंट करो। तो डिवोटी मीन्स ही गेट्स फीडबैक्स, जो फीडबैक आता है वो स्वीकार करता है और उसको तुरंत लागू करने का प्रयास करता है, ही ट्राइज टू इम्प्लीमेंट इट इमीडिएटली। तो चैतन्य महाप्रभु ये बच्चे को अपना गुरु मानते हैं और इसका नाम, और आगे जाके ये आचार्य बनता है, गोपाल गुरु गोस्वामी, बहुत महान आचार्य बनता है। तो कहने का मतलब है निरंतर प्रयास करना भगवान के हरिनाम का जप करने, जप तो करना रेगुलर जो हमारा स्वामाला है, उसके साथ साथ जब हम कार में जा रहे हैं, ड्राइविंग कर रहे हैं, या प्रसाद खा रहे हैं, या बना रहे हैं, या क्लीनिंग कर रहे हैं, उसके साथ साथ महामंत्र का जप या कीर्तन करते रहना, दिस इज समथिंग दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जॉर्ज हैरिसन, जो शिला प्रभुपाद को बहुत मानते थे और कृष्ण के बहुत अच्छे भक्त थे, तो वो निरंतर जब भी उनको समय मिले भगवान के हरिनाम का, महामंत्र का जप करते रहते थे। सो देयरफॉर वी शुड ट्राई टू चैंट एज मच एज पॉसिबल। तो हमारे बॉम्बे में सुदामा प्रभु हैं, जो वरिष्ठ ब्रह्मचारी हैं, तो बताते हैं जैसे एक बैट्समैन होता है ना, बैट्समैन क्या करता है, मैच के पहले प्रैक्टिस करता है कि नहीं? ऐसा नहीं कि सीधा जाके मैच में शुरू कर दिया उसने, जो होगा देखा जाएगा भगवान भरोसे, नहीं, वो प्रैक्टिस करता है। क्योंकि परफेक्शन कैसा आता है? बाय प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, है कि नहीं? इंग्लिश में ये सेइंग है। तो प्रैक्टिस करने से परफेक्शन होता है। तो सुदामा प्रभु दिन भर हरिनाम करते रहते हैं,
किसी ने उनको पूछा आप दिन भर क्यों करते हो, 16 माला तो करना है। तो बोलते हैं 16 माला का जो सेशन है वो मेरा मेन इनिंग है, वो एक्चुअल मैच है। वो एक्चुअल मैच खेलने के लिए मुझे दिन भर प्रैक्टिस करना है ताकि मैं वो 2 घंटा जो हरिनाम है 16 माला अच्छे से करूं। सो वी हैव टू ट्राई टू चैंट 24 आवर्स। दिस इज द इंस्ट्रक्शन ऑफ चैतन्य महाप्रभु कीर्तनीय सदाहरी, श्रील प्रभुपाद ने यह दिखाया है हमेशा निरंतर। आप राधानाथ महाराज को देखोगे, मैं इतने साल महाराज को देख रहा हूँ, हमेशा महाराज के पास फीडबैक रहेगा। मैंने बहुत कम बार देखा है जब महाराज के पास फीडबैक नहीं है, हमेशा फीडबैक। एंड महाराज विल ऑलवेज बी चैंटिंग, इतने बिजी व्यक्ति हैं निरंतर जब करते रहते हैं। तो ये मैच्योरिटी का साइन है टू चैंट। बलराम शक्ति प्रभु हमको बता रहे थे, पंकज जांगरी प्रभु जो ऑलमोस्ट 3-4 वीक्स अगो उन्होंने ये दुनिया छोड़ा था, जो हमारे मायापुर के जो विग्रह हैं राधा माधव नरसिंह देव की सेवा करते थे, हालांकि वो बहुत बिजी थे, पूरा पुजारी डिपार्टमेंट, वो जो मायापुर का मंदिर है सबसे बिजी डेटी डिपार्टमेंट है, इतने सारे फेस्टिवल्स होते हैं, इतने सारे विग्रह हैं, इतना सब सेवा करते हुए रोज 32 राउंड्स करते थे वो। सो दिस इज अ सिम्टम, ट्राइंग टू चैंट मैक्सिमम। हरिदास ठाकुर की एक कहानी जानते हैं, हरिदास ठाकुर को वो वैश्य आती है और बाद में माया देवी भी आती है प्रलोभन करने के लिए, उनका पतन कराने के लिए। पर हरिदास ठाकुर क्या बोलते हैं ये प्रोस्टिट्यूट को, ये वैश्य को, वो बोलते हैं कि मेरा हरिनाम का जप नहीं हुआ, मेरा माला होने दो, बाद में मैं आपका सुनूंगा। और वो कितना माला करते थे, एवरीडे 192 राउंड्स एवरीडे। शायद आप में से जो महान भक्त हैं कल 192 करेंगे, है कि नहीं? तो एक दिन साल में एक दिन हमारा कैसा तो हो ही जाता है, दैट्स आल्सो बिग थिंग फॉर अस। पर हरिदास ठाकुर का रोज एवरीडे का स्कोर 192 राउंड्स, कैन यू इमेजिन? व्यक्ति साल में एक बार 192 करता है तो वो कॉलर ऊपर करके चलेगा, पर हरिदास ठाकुर रोज 192 करके सबसे नम्र, सब वो मानते थे सही में हृदय से मेरे से तुच्छ और कोई नहीं है। दिस इज अनदर टिप फॉर चैंटिंग, ह्यूमिलिटी, है कि नहीं? अपने आप को नम्र मानना। त्रिनादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुना अमानीन मानदेन कीर्तनीय सदाहरि। तो अगर किसी को निरंतर कीर्तन करना है, जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं ट्राइंग टू चैंट एवरीवेयर एट ऑल टाइम्स, तो ये नम्रता लाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ह्यूमिलिटी। तो हरिदास ठाकुर ये वैश्य को बोलते हैं मेरा माला होने दो, बाद में मैं आपका इच्छा पूरा करूंगा। और हरिदास ठाकुर का माला कभी होता ही नहीं था क्योंकि दिन भर वो माला करते रहते थे। तो इसलिए माया से बचना है तो तरीका क्या है, निरंतर हरिनाम, कंटिन्यूअसली ट्राई टू चैंट। इसलिए महाराज कोट करते हैं, श्रील प्रभुपाद एक प्रोफेसर स्टाल को लिखते हैं, बाई डिवोशनल सर्विस बाई अंडरस्टैंडिंग वेल द सुप्रीम पर्सन ऑफ गॉडहेड वन कैन गो टू हिज अबोर्ड एंड नेवर कम बैक टू दिस मटीरियल कंडीशन। तो कृष्ण को कोई जानेगा अच्छे से तो भगवत धाम जाएगा और वापस ये दुनिया में आने की जरूरत नहीं है। ये दुनिया में कोविड है, इतना सब प्रॉब्लम्स है, यहाँ पे आने की जरूरत नहीं है। तो वहां जाने का तरीका क्या है, द आंसर इज सिंपली बाई चैंटिंग हिज नेम कॉन्स्टेंटली। तो वहां पे जाने का तरीका क्या है, हमेशा भगवान के नाम उच्चारण कॉन्स्टेंट। प्रभुपाद आगे टीचिंग्स ऑफ क्वीन कुंती में लिखते हैं, अ डिवोटी शुड बी वेरी केयरफुल टू सी वेदर हिज टाइम इज बीइंग स्पेंट अननेसेसरीली। तो भक्त को प्रश्न पूछना चाहिए अपने आप को कि मेरा सही समय सही उपयोग हो रहा है या व्यर्थ हो रहा है, इज इट बीइंग यूटिलाइज्ड और इज इट बीइंग वेस्टेड। ही शुड आस्क हिमसेल्फ एम आई एंगेज्ड इन माया सर्विस और कृष्णा सर्विस। तो हमको पूछना है हम माया का सेवा कर रहे हैं या कृष्ण का सेवा कर रहे हैं। दिस इज द सिम्टम ऑफ एन एडवांस डिवोटी। जो एडवांस भक्त है उसका सिम्टम क्या है, नाम गाने सदा रुचि। सच अ डिवोटी इज नेवर टायर्ड ऑफ चैंटिंग सिंगिंग एंड डांसिंग। तो एडवांस डिवोटी का सिम्टम है वो हरिनाम करते हुए कभी थकता नहीं है, कीर्तन हो जप हो नृत्य हो कभी नहीं थकता। द वर्ड सदा मीन्स ऑलवेज एंड रुचि मीन्स टेस्ट। सदा का मतलब है निरंतर करना,
A devotee has taste for chanting Hare Krishna. Oh, very nice. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. रुका रहता है opportunity के लिए. This is taste. प्रभुपाद आगे लिखते हैं, of course this taste takes time to awaken. तो ये जो रुचि है समय लगेगा, अनर्थ निवृत्ति होने के बाद ही रुचि आएगा, हम नकल नहीं कर सकते. जैसे रूप गोस्वामी प्रार्थना करते हैं, हे भगवान जब मैं कृष्ण ये शब्द सुनता हूँ मुझे लगता है कि एक जीव कम है, एक जीवा कम है, मुझे लाख जीवा की जरूरत है, और दो कान कम है, मुझे करोड़ों कानों की जरूरत है. क्योंकि जब इतने सारे कानों से, इतने सारे जीवाओं से जब मैं कृष्ण का नाम लूंगा और ऐसा जो नाम मेरे हृदय में जाएगा, मेरे हृदय के जितने भी अनर्थ हैं उसका निवारण करेगा और मेरे हृदय को जीत लेगा. तो ये रूप गोस्वामी के भाव है कि उनके उनको कृष्ण के प्रति इतना प्रेम था हरिनाम के प्रति, हमको नहीं है. तो प्रश्न उठेगा, हमको रुचि कैसे प्राप्त होगा हरिनाम में, हमारे लिए अभी मेडिसिन की तरह है, रुचि कैसा आएगा. दिस टेस्ट फॉर चैंटिंग कैन बी अचीव्ड सिंपली बाई चैंटिंग मोर एंड मोर. तो हरिनाम में रुचि चाहिए तो क्या करना है, और हरिनाम करो. श्रील प्रभुपाद इनफैक्ट आगे लिखते हैं, आई विल रीड यू दिस समथिंग दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग. तो प्रभुपाद लिखते हैं, एक बार किसी भक्त ने यही पूछा था, हरिनाम में रुचि कैसे उत्पन्न करना है, हरिनाम करने में इच्छा ही नहीं हुआ है, क्या करूं. तो प्रभुपाद ने बहुत सुंदर उदाहरण दिया, वेरी ब्यूटिफुल एग्जाम्पल, बाई परफॉर्मिंग संकीर्तन. तो कैसे इच्छा उठेगा, कैसे रुचि आएगा हरिनाम में, और संकीर्तन करो. जस्ट लाइक इफ अ मैन ड्रिंक्स एंड इफ यू ड्रिंक्स एंड ड्रिंक्स देन यू विल बिकम अ ड्रंकर्ड. तो व्यक्ति पियक्कड़ कैसे बनता है, पीता रहता है. पहला जब पीता है, मुझे तो एक्सपीरियंस नहीं है बट जब पहला पीता है अच्छा नहीं लगता, बट धीरे धीरे उसको किक आता है, टेस्ट आता है कि नहीं, हायर टेस्ट उसको आता है वो ड्रिंक्स में, और वो पीने लगता है, और एक समय पे पक्का सर्टिफाइड रिकॉर्ड होल्डर बन जाता है, डंकर्ड, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स है कि नहीं, ही बिकम्स लाइक अ सर्टिफाइड ड्रंकर्ड. सो ये प्रभुपाद ने ये उदाहरण दिया, सब ऑडियंस ताली बजाने लगे, क्या उदाहरण दिया, क्योंकि पाश्चात्य देश में और गोवा में भी ये उदाहरण देंगे तो लोग ताली बजाएंगे, क्या उदाहरण है, पीते रहो पियक्कड़ बन जाएंगे. ड्रिंक मोर एंड मोर एंड यू बिकम अ ड्रंकर्ड. सिमिलरली चैंट मोर एंड मोर एंड यू बिकम अ परफेक्ट चैंटर. लेकिन तो ये प्रभुपाद का फॉर्मूला है, रुचि नहीं है चिंता मत करो, क्या करो, और जब करो, और जब करते रहोगे तो एक दिन रुचि आएगा. सो दिस इज द नेक्स्ट टिप. ये टिप के अंदर ही हमने तीन चार और टिप देखा, बट द ओवरऑल थीम वॉज चैंटिंग ऑलवेज एंड चैंटिंग एट ऑल टाइम्स. हर एक अवस्था में और हर एक समय, जब भी समय मिले हरिनाम करना. जैसे शास्त्र उदाहरण देते हैं, जैसे एक बिजनेसमैन होता है ना, अभी विवेक बिंद्रा प्रभु ने हमारे लिए बिजनेस योगा किया, लेकिन एक बिजनेसमैन, तो सही बिजनेस योगा क्या है, चैंटिंग हरे कृष्णा, दैट इज सही बिजनेस योगा. क्योंकि ये जो दुनिया का बिजनेस है वो तो खत्म होने वाला है, ये धन राशि तो लेके नहीं जा सकते, तो सही धन हमारा क्या है, होली नेम. अहो दुःखम महादुःखम दुःखा दुःखतरम यत काचरतम विस्मृतम रत्न हरेर नामैव केवलम. तो केवलाष्टकम में ये श्लोक आता है, अहो दुःखम महादुःखम दुःखा दुःखतरम यत. बोलते हैं सबसे बड़ा दुख, सब दुखों में से सबसे बड़ा दुख क्या है, ये जो हरिनाम है. काचरतम विस्मृतम रत्न, ये जो हरिनाम है रत्न है, चिंतामणि है, पर इसको हम क्या समझ रहे हैं, कांच का टुकड़ा. ये दुनिया के धन को हम सही रत्न समझ रहे हैं और हरिनाम को हम कांच का टुकड़ा समझ रहे हैं, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है. वी हैव नो अटैचमेंट, हमको ये चीज का मूल्य पता नहीं. तो इसलिए या आई डोंट नो व्हाई वाज टेलिंग दैट. हाँ, बिजनेस योगा. तो जैसे एक व्यक्ति होता है बिजनेस करता है, वो हमेशा धन गिनता रहता है ना. आपने किसी सेठ को देखा होगा, मारवाड़ी या गुजराती, उनको धन गिनने में बहुत आनंद आता है. आप देखोगे सबसे खुश कौन से समय पर रहते हैं,
हाथ में उनका बंडल रहेगा नोट का, और इतना प्रेम के साथ गिनेंगे, राइट, और जितना गिनेंगे उतना आनंद आएगा उनको, राइट, क्योंकि धन है उनके लिए, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर देम. तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? भगवान का हरि नाम. जैसे व्यक्ति धन गिनता है, पैसा गिनता है, इकट्ठा करता रहता है, तो उतना लालसा हमको हरिनाम में होना चाहिए. मुझे और करना है, और करना है, आई नीड टू डू मोर एंड मोर. ये हमारा सही धन है. धन मोर नित्यानंद, पति मोर गौर चंद्र, प्राण मोर युगल किशोर. तो हमारा जो धन है, नित्यानंद रू है, हमारे जो प्राण है चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्ण है, ये हरिनाम है. सो वी हैव टू ट्राई टू एक्वायर मोर एंड मोर. इसलिए चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में लीला करते थे, वो अपने भक्तों को बोलते थे, क्योंकि सब भक्त चैतन्य महाप्रभु को उनके घर बुलाते थे, आप हमारे घर में आइए प्रसाद के लिए. तो चैतन्य महाप्रभु बोलते थे, जो भी लखपति है उसके ही घर जाऊंगा मैं. तो सब भक्त सोचने लगे, चैतन्य महाप्रभु ने हमको बोला है वैराग्य का पालन करो, और अभी बोल रहे हैं लखपति बनो, बिजनेस करो, लखपति बनो, है कि नहीं? तो ये बिजनेस योग क्या है? तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, लखपति का डेफिनेशन, बाहर के लोगों का अलग डेफिनेशन है, इस्कॉन में अलग डेफिनेशन है, गीता का भागवतम का अलग डेफिनेशन है. लखपति कौन है? जो रोज भगवान कृष्ण का नाम 100,000 बार लेता है. तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं मैं उनके ही घर जाऊंगा. सो रियल बिजनेस इज टू चैंट हरे कृष्णा. तो ये हमारा फैमिली बिजनेस है, हरे कृष्णा जप करना और दूसरों को प्रेरणा देना करने के लिए. चैंट हरे कृष्णा एंड इंस्पायर अदर्स टू चैंट. खुद जप करो और दूसरों को प्रेरणा दो जप करने में. सो दिस वॉज द सेकेंड टिप इन विच वी सॉ सो मेनी अदर थिंग्स. सो अगला चीज महाराज बताते हैं, चैंटिंग इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह जप करना. मॉर्निंग टाइम इज द बेस्ट टू होल्ड स्पिरिचुअल सर्विसेस, शिला प्रभुपाद लिखते हैं. सुबह सुबह का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रह्म मुहूर्त, 1.5 आवर्स बिफोर सनराइज, क्योंकि वो समय थोड़ा पीसफुल रहता है, कॉन्सेंट्रेशन के लिए मुश्किल है, क्योंकि दिन जब बढ़ता है, सूरज जब और ऊपर उठता है, तो रजोगुण की जो प्रभाव है वो बढ़ता है, और रात के समय तमोगुण का प्रभाव बढ़ता है. इसलिए मॉर्निंग इज द बेस्ट सत्वगुण. तो यू हैव यू नो रॉबिन शर्मा. रॉबिन शर्मा इज लाइक अ नॉट अ डिवोटी नहीं है, बाहर का मोटिवेशनल स्पीकर है, पर उसने एक पुस्तक निकाला है जिसका नाम है 5 AM क्लब, ठीक है, बहुत फेमस बुक है. तो बोलता है कि जिसको सक्सेसफुल बनना है स्पिरिचुअली नहीं मटीरियली, उसको 5 बजे एटलीस्ट मिनिमम 5 o'clock उठना चाहिए, 5 AM क्लब. तो ये दिस एन आउटसाइड गाय, यू नो, बाहर का व्यक्ति ये बोलता है कि सुबह का समय बहुत इंपॉर्टेंट है प्रायोरिटाइज करने के लिए. तो इसलिए सुबह के समय पे जप करना, मॉर्निंग इज इन द मोड ऑफ गुडनेस. तो कृष्णानंद प्रभु जो हमारे लिए नामाचार्य है, तो कृष्णानंद प्रभु बताते हैं कि जैसे अगर यहाँ से बॉम्बे जाना है किसी को रोड पे, तो सबसे सही समय क्या है? अर्ली मॉर्निंग आवर्स, क्योंकि ट्रैफिक बहुत कम रहता है, दिन में ट्रैफिक बढ़ता रहता है, ठीक है? तो वैसे ही हरिनाम करना है तो मॉर्निंग में माइंड का ट्रैफिक बहुत कम है, देयरफॉर यू कैन पिक अप स्पीड. सुबह यहाँ से बॉम्बे जाना है, स्पीड कब पकड़ेगा? सुबह के समय में, बाद में धीरे जाना पड़ेगा गाड़ी. तो वैसे ही मॉर्निंग टाइम यू कैन एक्चुअली पिक अप स्पीड एंड गो. तो कृष्णानंद प्रभु ने और एक उदाहरण दिया था, अभी पुलवामा अटैक के बाद इंडिया ने जब सर्जिकल स्ट्राइक किया, परिकर जी ने सर्जिकल स्ट्राइक कराया, तो सर्जिकल स्ट्राइक जो है कौन से समय पे किया, व्हाट टाइम? इट वाज 3:30 मॉर्निंग, आई थिंक दैट्स द टाइम, वेरी अर्ली मॉर्निंग सर्जिकल स्ट्राइक किया. क्यों? क्योंकि उस समय टेररिस्ट सोए हुए रहते हैं, नो वन एवर इमेजिन दैट दे विल अटैक एट दैट टाइम, और सबको मार दिया. तो कृष्ण प्रभु बताते हैं हमारे हृदय में ये सब टेररिस्ट हैं, जैसे कृष्ण गीता के 3rd अध्याय में बोलते हैं, ये जो काम वासना है, क्रोध वासना है, ये सब हमारे हृदय को कैप्चर करके रखा है. तो ये टेररिस्ट को अटैक करने का, सर्जिकल स्ट्राइक करने का सबसे सही समय है अर्ली मॉर्निंग आवर्स. देयरफॉर वन शुड ट्राई टू कंप्लीट हिज राउंड्स इन द अर्ली मॉर्निंग आवर्स. दिस इज द नेक्स्ट टिप. उसके बाद अगला टिप वो बताते हैं, चैंटिंग एटलीस्ट 16 राउंड्स. तो शायद आप में से काफी भक्त 16 माला जब करते हैं, या जो नहीं करते हैं वो प्रयास करते हैं, कर सकते हैं 16 माला जब करने के लिए, और
एवरी डे होना चाहिए, कभी ये छूटना नहीं चाहिए। कुछ भी हो जाए, हॉस्पिटल में भी जाना पड़े, शायद जब बहुत अच्छा नहीं होगा, पर वो 16 नंबर फिगर कंप्लीट होना है। दिस इज समथिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए चैतन्य लीला में जब हरिदास ठाकुर, हम डिस्कस कर रहे थे, हरिदास ठाकुर रोज 192 राउंड्स जब करते थे, है कि नहीं, जब वो बूढ़े हो गए उस समय भी करने लगे, तो एक दिन चैतन्य महाप्रभु जाते हैं और देखते हैं कि हरिदास ठाकुर थोड़ा निराश है, नॉट वेरी हैप्पी। तो चैतन्य महाप्रभु उनको पूछते हैं, आपका बीमारी क्या है, व्हाट इज योर डिजीज, आप डायग्नाइज कर सकते हो क्या, आपका बीमारी क्या है, कोविड है क्या, क्या बीमारी है आपको? तो हरिदास ठाकुर बोलते हैं, शरीर तो मेरा ठीक है, मेरा मन ठीक नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, क्यों? बोलते हैं, मेरा रेगुलर जो माला है वो हो नहीं रहा है। और उनका कितना माला था? 192 राउंड्स। तो हरिदास ठाकुर को इतना बुरा लग रहा है कि उनको 192 राउंड्स नहीं हो रहा है। तो प्रभुपाद वो श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं, इफ समवन कैनॉट फिनिश दिस प्रिस्क्राइब्ड नंबर ऑफ राउंड्स, दैट मीन्स ही इज इन अ स्पिरिचुअली डिजीज्ड कंडीशन, मतलब आध्यात्मिक रूप से बीमार है। तो इसलिए 16 माला मिनिमम करना चाहिए। एक्चुअली भक्ति सिद्धांत सरस्वती, जो श्रील प्रभुपाद के गुरु हैं, उन्होंने नियम बनाया था 64 माला, दीक्षा चाहिए तो 64 राउंड्स मिनिमम। इमेजिन करो, अगर ये क्राइटेरिया रहेगा तो कौन हु विल बी रेडी फॉर इट। बट श्रील प्रभुपाद क्योंकि आचार्य हैं, बहुत कृपालु हैं, और पाश्चात्य देश में गए थे, तो जब प्रभुपाद गए थे वहां पे, वेस्टर्नर्स को बोलते हैं प्रभुपाद 64 राउंड्स, वो बोलते हैं बहुत मुश्किल है। तो प्रभुपाद बोलते हैं 32 राउंड्स होना ही चाहिए मिनिमम रोज, बोलते बहुत मुश्किल है। तो भक्त बोलते हैं, प्रभुपाद बोलते हैं ठीक है 16 राउंड, आगे बार्गेन मत करो, 16 राउंड से कम नहीं। सो 16 राउंड इज द बेयर मिनिमम फॉर एनी सिंसियर प्रैक्टिशनर, तो उतना तो होना चाहिए। इफ यू कैन डू ऑल दैट इन द मॉर्निंग बेस्ट, नहीं तो दिन में, यू नो, व्हेनेवर वी गेट टाइम वी शुड ट्राई टू फिनिश दैट 16 राउंड्स। और कोई प्रश्न उठेगा, पूछ सकता है कि ये फिक्स्ड नंबर क्यों, ऐसा गिनती के साथ क्यों करना है? हम ऐसे ही तो बोल सकते हैं, गिनती के साथ क्यों? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने और उनके जो अनुयायी हैं गोस्वामियों ने हमको सिखाया है गिनती करते हुए करना। जैसे व्यक्ति ओलंपिक्स के लिए प्रैक्टिस करता है, जो रनिंग रेस वगैरह करते हैं ना, वो अपना टाइम रखते हैं, ऐसे ही भागते नहीं है, दे कीप अ टाइम एंड अकॉर्डिंग टू दैट टाइम दे रन, ये एक लैप कितने टाइम पे हुआ, दूसरा कितने टाइम पे हुआ, दे मेजर देयर प्रोग्रेस। तो वैसे ही हमारे भक्ति के प्रोग्रेस को मेजर करने के लिए काउंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जब चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास स्वीकार किया था और वो जगन्नाथपुरी की ओर आ रहे थे, तो समय चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों को बोलते हैं मैं अकेले ही जाऊंगा, तो समय नित्यानंद प्रभु बोलते हैं नहीं, देखिए आप एक माला में, आप एक हाथ में जप करेंगे, जप माला रहेगा, और दूसरे हाथ में आप गिनती करेंगे, जैसे हमारा काउंटर होता है वैसे चैतन्य महाप्रभु गिनती करते थे, एक माला दो माला ऐसा। तो नित्यानंद प्रभु बोलते हैं एक हाथ में आपका माला रहेगा, दूसरे हाथ में आप गिनती करेंगे, तो आपका कमंडलू और डंडा कौन पकड़ेगा और आपका वस्त्र कौन पकड़ेगा, इसलिए आप एक सर्वेंट को लेके जाइए। तो प्रभुपाद लिखते हैं वहां पे उस वो श्लोक के तात्पर्य में कि चैतन्य महाप्रभु खुद भी काउंटिंग करते थे, स्वयं भगवान है वो खुद भी अपना चैंटिंग काउंट करते थे, और गोस्वामीज भी काउंट करते थे, दे वुड काउंट देयर राउंड्स। सो वी हैव टू चैंट इन अ प्रिस्क्राइब्ड वे एटलीस्ट 16 राउंड्स। तो प्रभुपाद लिखते हैं, इफ वन इज बिजी फॉर अदर कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटीज एंड कैनॉट फुलफिल द रेगुलर रूटीन ऑफ चैंटिंग, ही मस्ट कंपेंसेट द नेक्स्ट डे curtailing all his activities of matter of eating, sleeping and everything. तो प्रभुपाद बोलते हैं समय नहीं है, बहुत सारे भक्त जाके प्रभुपाद को बोलते थे प्रभुपाद हमारा 16 माला नहीं हो रहा है, समय नहीं है, बहुत सेवा है। प्रभुपाद क्या बोलते थे? प्रभुपाद ये नहीं बोलते थे सेवा कम करो, प्रभुपाद क्या बोलते थे? नींद कम करो, खाना कम करो, पर 16 माला करना है। तो जितने भी आदेश गुरु देते हैं उसमें से सबसे प्रमुख आदेश है 16 माला का जप, चैंटिंग 16 राउंड्स। सो वी विल टेक वन और टू मोर पॉइंट्स एंड देन वी कैन ओपन अप फॉर क्वेश्चन आंसर्स।
तो दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, तुलसी के सामने जप करना, चैंटिंग इन फ्रंट ऑफ तुलसी. दिस इज समथिंग दैट्स वेरी वेरी पावरफुल. तुलसी के सामने जप करना या गायों के साथ, तो ये इट इज एक्चुअली प्रूवन साइंटिफिकली. हर एक व्यक्ति का एक ऑरा होता है, एक एनर्जी होता है. तो गाय का ऑरा 10 व्यक्तियों से, साधारण व्यक्तियों से 10 गुना ज्यादा है. और तुलसी का भी जो ऑरा है बहुत आध्यात्मिक है. इसलिए तुलसी वृंदावन में तुलसी के पास बैठ के जप करने से ऑटोमेटिकली कृष्ण के प्रति भक्ति, फोकस करना, ध्यान लगाना ऑटोमेटिक होता है, बिकम्स वेरी इजी. तो तुलसी इज समथिंग दैट इज वेरी पावरफुल. तो सचिनंदन महाराज समथिंग ही राइट समथिंग दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. आप हरिनाम चिंतामणि में भक्ति विनोद ठाकुर ने 10 नाम अपराध दिया है और उसको उससे बचने का विधि दिया है. प्रॉब्लम है ये 10 ऑफेंसेस और इससे बचने के लिए सॉल्यूशंस. हर एक सॉल्यूशन में एक सॉल्यूशन कॉमन रहता है हर एक ऑफेंस में, वो क्या है? शुद्ध भक्तों का संघ. तो ये बहुत महत्वपूर्ण टिप है. हरिनाम अच्छे से करना है तो भक्तों का संघ, साधु संघ, साधु संघ, सर्व शास्त्र कहे शुद्ध भक्तों का संघ. भक्तों के संघ में रहेंगे तो हरिनाम होगा. तो सबसे बड़ी शुद्ध भक्त कौन है? तुलसी जी. तो तुलसी को कृष्ण ने भेजा है, जो कृष्ण के प्रियासी है, कृष्ण के प्रिय है, ऐसे तुलसी को कृष्ण ने भेजा है हमको संग देने के लिए. तो इसलिए तुलसी के पास बैठ के जप करने से जप बहुत अच्छा होगा. और स्वयं हरिदास ठाकुर ने उनके उदाहरण से सिखाया है. हरिदास ठाकुर ने एक वन में एक छोटा सा कुटिया बनाया और उसके सामने तुलसी का पौधा, और रोज तुलसी को पानी डालते थे और तुलसी के पास बैठ के ही 192 राउंड्स करते थे सुबह शाम. सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ हरिदास ठाकुर. इसलिए श्रील प्रभुपाद ने हम सबको रिकमेंड किया है हर एक मंदिर में तुलसी पौधा उगाना उसको प्रेम से. सो दिस इज समथिंग दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन डिवोशनल सर्विस. सो प्रभुपाद लिखते हैं, विदाउट डिफिकल्टी वन कैन सिट डाउन एनीवेयर, एस्पेशली ऑन द बैंक ऑफ गंगा, यमुना और एनी सेक्रेड रिवर. Devise a sitting place or cottage, plant a tulsi, and before the tulsi, chant Hare Krishna. तो भारत में इतने पवित्र नदियां हैं, आज गंगा पूजा का भी दिन है, ठीक है? तो गंगा के किनारे, यमुना के किनारे बैठ सकते हैं. और अगर पवित्र नदियां नहीं है तो एटलीस्ट तुलसी के सामने हम बैठ सकते हैं. तो सचिनंद महाराज लिखते हैं, पाश्चात्य देश में जहाँ पे गंगा यमुना नहीं है वहां पे सिर्फ टेम्स रिवर है, जो लंदन में टेम्स रिवर है, ये सब रिवर्स है, तो वहां पे गंगा यमुना तो नहीं है, पर तुलसी हर जगह उगता है. तो इसलिए तुलसी के सामने बैठ के करेंगे वन विल बिकम वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग. सो आई विल एंड विद दिस वन कोट एंड देन प्रोबेबली वी कैन टेक क्वेश्चन आंसर्स एंड सम फीडबैक्स. तो प्रॉपर लिख रहे हैं, द प्रोसेस ऑफ चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र विद द वाउ बिफोर तुलसी प्लांट हैज सच ग्रेट स्पिरिचुअल पोटेंसी दैट सिंपली बाय डूइंग दिस One can become spiritually strong. तो प्रभुपाद देखिए हमेशा बोलते हैं simply by doing this. तो ये भक्ति के जो अलग अलग टिप्स में बता रहा हूँ बहुत सरल चीज है पर बहुत शक्तिशाली है. इसको कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना है. दीज आर वेरी वेरी पावरफुल थिंग्स. तो प्रभुपाद लिख रहे हैं, सिर्फ ये चीज करने से, तुलसी के सामने बैठ के, तुलसी को पानी डाल के, प्रदक्षिणा करके, तुलसी के सामने पास में बैठ के जप करने से व्यक्ति बहुत स्ट्रांग बनेगा. Therefore, we request the members of the Hare Krishna movement to follow Haridas Thakur's example rigidly. तो इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं, हम विनती करते हैं जो इस्कॉन के सदस्य हैं कि हरिदास ठाकुर के उदाहरण को गंभीरता से पालन कीजिए. तो उदाहरण क्या है? Chanting 16 rounds does not take much time, nor is offering respect to the tulsi plant difficult. तो हरिदास ठाकुर का उदाहरण 192 राउंड्स. तो प्रभुपाद बहुत कृपालु हैं और हमको बहुत कंसेशन दे रहे हैं, सिर्फ 16 माला जप करो, मुश्किल नहीं है, और तुलसी को प्रणाम करो वो भी मुश्किल नहीं है. द प्रोसेस हैज इमेंस स्पिरिचुअल पोटेंसी. सरल है पर बहुत पावरफुल है. वन शुड नॉट मिस दिस अपॉर्चुनिटी. तो ये अपॉर्चुनिटी को मिस मत कीजिए. अपॉर्चुनिटीज कम वेरी रेयरली, है कि नहीं? जैसे बड़ा बिजनेस योगा, तो विवेक बिंद्रा जी ने वीडियो डाला, शायद निकाल दिया होगा, है कि नहीं?
जिसको मिला मिला, जिसको नहीं मिला अगले बार जब भी होगा, है कि नहीं? अवसर बार बार नहीं आते. सो निर्जल एकादशी इज ऑल्सो एन अपॉर्चुनिटी. तो हमारे लिए प्रैक्टिकली एवरी डे इज एन अपॉर्चुनिटी. तो जब भी कुछ अवसर है उसका फायदा उठाना. When that Krishna gives you that opportunity, when you take advantage, Krishna will give you more opportunity. So Srila Prabhupada, Tamal Krishna Maharaj ko, unhone ek chitti likha tha ki Krishna can give you the whole world. Bhagwan aapko pura duniya de sakte hain, par prashna hai, aap usko handle kar payenge kya? To isliye jo Bhagwan ne diya hai, usko sahi use karo. Jo opportunity Bhagwan de rahe hain, uska hum pura fayda lenge. तो कृष्ण और अपॉर्चुनिटी देंगे, पर जो अपॉर्चुनिटी मिलता है उसका हम फायदा नहीं लेंगे, तो कृष्ण जो भी अपॉर्चुनिटी है वो ले लेंगे. सो प्लीज डू टेक एडवांटेज ऑफ दिस निर्जल एकादशी. ज्यादा जप कीजिए, पुस्तक पढ़िए, यू नो ट्राई टू यूटिलाइज दिस टाइम नाइसली. सो बहुत बहुत धन्यवाद. हरे कृष्ण. किसी का कुछ प्रश्न है? एनी क्वेश्चन? सो समवन इज आस्किंग हाउ मेनी टाइम्स यू शुड चैंट पंचतत्व मंत्र. या वन टाइम इज गुड इनफ, बट यू कैन चैंट कपल ऑफ टाइम्स ऑल्सो, नो प्रॉब्लम, कर सकते हैं, नो हार्म. एनीथिंग एल्स? एक्चुअली बहुत कुछ चीज था और प्रोबेबली द नेक्स्ट टाइम वी कैन डिस्कस मोर. ये हरिनाम का विषय नेवर एंडिंग विषय है. जैसा भगवान का लीलाओं का अंत नहीं है, भगवान के हरिनाम के गुणगान का भी अंत नहीं है. सो वी कैन डिस्कस अ लॉट ऑफ मोर थिंग्स प्रोबेबली सम अदर टाइम. सो इफ नो क्वेश्चंस, वी कैन एंड. Also, हम एटलीस्ट पंजिम के डिवोटीज के लिए कल सुबह 4 to 8 इन द मॉर्निंग हम जूम पे चैंटिंग कर रहे हैं. तो अगर किसी को इच्छा है तो दे कैन ऑल्सो ज्वाइन, इवन मपसा मोरजम डिवोटीज कैन ज्वाइन फॉर दैट. सो लेट्स एंड जगत भूषण गुरु. हरे कृष्णा. या हमारा आज परम सौभाग्य है कि आज हमारे बीच अच्युत गोपाल प्रभु जी है, जिन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से हरिनाम का महत्व बताया है. तो प्रभु जी बार बार ऐसे हमारे सभी भक्तों को क्लास देते रहे, हरिनाम के बारे में और बताते रहे. तो सभी भक्तों से निवेदन है कि प्रभु जी का हम आभार व्यक्त करेंगे अपना माइक ऑन करके 3 बार हरिबोल बोल के. बहुत बहुत धन्यवाद. हरे हरी बोल. आप सब लोग आशीर्वाद दीजिए जो मैं बोल रहा हूँ उसका पालन भी कर सकूं. थैंक यू वेरी मच. बहुत बहुत धन्यवाद. हरे हरे कृष्णा. हरी बोल. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. हरी बोल. बोल हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. बोल. तो आप बोल रहे थे.